सबसे ऊपरी सीढ़ी पर पहुंच रहा था। छुट्टियों में हम बच्चों के कब्जे में यही रहता था। बीच में एक बेहद हवादार सबसे बड़ा गोल कमरा था और दाईं तरफ एक छोटा कमरा जिसमें बाद के दिनों में नानी की देखभाल करने वाली कुसुम नानी रहती थी। वो शायद नानी की कोई दूर की रिश्तेदार रही होंगी क्योंकि उनका रुतबा भी नानी से थोड़ा ही कम था। नानी के अलावा सब उनसे घबराते थे। ये देखते देखते ही मेरे पैर उस गोल कमरे की ओर बढ़ चले थे जो आज भी मेरी यादों और सपनों के केंद्र में था। दरवाजे पर ताला नहीं था, सिर्फ चटकनी बंद थी। मैंने धीरे धीरे खोला। मुझे लगा वो अंत में इस तरह से शॉक देती हैं कि दरअसल उनका पूरी कहानियों का पढ़ा जाना मुझे लगता है जरूरी है, क्योंकि उन कहानियों की विशेषता ये मुझे लगी कि कमाल की अचानक एंड में कुछ ऐसा झटका सा दे देती हैं वो कि आप हक्के बक्के रह जाते हैं। पता नहीं किस कारण से इस तरह से तय किया गया है कि उसका अंश पढ़ा जाए सिर्फ, और अंश जाहिर है वो एंड तो नहीं होता, वो बिगिनिंग है, और सारा जो जादू है उनकी कहानियों का वो निहित है उस अंत में। खैर, जिसने भी ये तय किया है कोई कारण होगा। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, पेज नहीं मिल रहा है मुझे इस कहानी का। जी 28 कहानी का शीर्षक तो आप लोगों को बता दिया गया है, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मुझे नींद नहीं आती, गलत नहीं कह रहा हूं, मुझे नींद तो आती है, बहुत आती है, पर तरस रहा हूं मैं सोने के लिए। एक रात, बस एक रात मिल जाए सुकून से सोने के लिए, पर नहीं मिलती। इस आलीशान घर में इस नर्म मुलायम बिस्तर पर लेट जाता हूं और लेटते ही ऐसी नींद खेरती है कि अवश हो जाता हूं, पर जहां आंखें मुंदी और मैं नींद के आगोश में डूबा, वहीं दो ठंडी बाहें मुझे घेर लेती हैं, बर्फ सी सर्द बेजान दो बाहें। मैं उनसे छूटने की कोशिश कर ही रहा होता हूं कि एक ठंडा जिस्म मुझसे बुरी तरह लिपट जाता है और दो सर्द बेजान होठ मेरे होठों पर इस बुरी तरह चस्पा हो जाते हैं कि मेरा दम घुटने लगता है। सारे वातावरण में एक अजीब गंध फैल जाती है, वही गंध जो मुर्दा घर में आती है, और परी की खनखनाती हंसी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। मैं छटपटाता हूं उसकी पकड़ से छूटने के लिए, उस आलिंगन से मुक्त होने के लिए, मगर सब बेकार।
ना वो मुझे छोड़ती है ना मैं खुद छूट पाता हूं। पता नहीं कितना वक्त गुजर जाता है इसी तरह छटपटाते हाँफते दम घुटते जब मैं आंख खोल पाता हूं और कोई नहीं होता, मैं बिल्कुल अकेला होता हूं अपने बेड पर, कहीं कोई आवाज नहीं, बस वही अजीब गंध हवा में तैरती रहती है। जगह बदल कर, बिस्तर बदल कर, शहर बदल कर, देश तक बदल कर दिख चुका हूं, पर कहीं कुछ नहीं बदलता। सो नहीं सकता मैं, चाहे कहीं भी चला जाऊं, दिन गुजर जाता है रात नहीं गुजरती। मगर ऐसा हमेशा नहीं था, कभी दिन भी बहुत सुहाने थे और रातें भी। कोई उस वक्त कहता कि मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हो सकता है तो मैं ठाके लगाता कि उसका दिमाग खराब है, पर अब कहां कहां नहीं गया मैं। डॉक्टर, मनोचिकित्सक, हकीम, वैद्य, प्राकृतिक इलाज, रेकी, संगीत थेरेपी, कुछ नहीं छोड़ा। ओझाओं तक के पैर तो पकड़ चुका हूं। मंत्र, यंत्र, जप, पूजा सब बेअसर हैं। 2 साल, पूरे 2 साल हो गए हैं। पैसे की कमी नहीं है, भूखा भी है बेहिसाब इसी नींद के चक्कर में। मेरे पास भी बहुत पैसा था और अब तो परी का भी सब कुछ मेरा ही है, पर सुकून, चैन, शांति, आराम सब छिन गए, सब परी के साथ चले गए। काश उस दिन डैश 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 डैश। धन्यवाद। महत्वपूर्ण समय आ रहा है वक्तव्य का। आप सब जानते हैं कि एक जमाने में 5 दिन का क्रिकेट टेस्ट मैच होता था, अभी 2020 हो गया, तो उसी तरह 4-5 घंटे साहित्य के प्रोग्राम चलते थे, लेकिन हमने ये कोशिश की है कि 2 घंटे में ये कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। आदरणीय नंदलाल पाठक जी से आते ही मैंने पूछा कि ये कार्यक्रम जो है लोकार्पण समारोह है, एक पारिवारिक उत्सव है, किसी पुस्तक के चर्चा का आकलन का समय नहीं है, तो पाठक जी ने झट से कहा 5 मिनट काफी हैं। तो हम वक्ताओं से अपने ये निवेदन करेंगे कि अपनी बात 5 मिनट के भीतर करें, ताकि आप लोग बाद में बोले बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, 2 घंटे में समाप्त हो गया। सुदर्शना जी से एक पाठक के रूप में तो मेरा परिचय लंबा है, 8वें दशक से, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सिर्फ 2 वर्ष पहले उनसे मुलाकात हुई, जब मैं यहाँ जहीर कुरैशी व्याख्यान देने, प्रथम व्याख्यान देने के लिए आया, तो पहली बार इनसे भेंट हुई और उससे अगले साल भी, और मैं बहुत संक्षिप्त मुलाकात में ही उनसे बहुत मुतासर हुआ। और उनका जो धीर गंभीर व्यक्तित्व है, जिसकी चर्चा जयंती जी पहले विस्तार से कर ही चुकी है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था। मैं सबसे पहले जयंती जी को, रेखा जी को बहुत बधाई इसलिए देना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ उनके, कि हिंदी पाठकों पर उन्होंने बहुत उपकार किया है इस संकलन को लाने के लिए, जैसा प्रयास भूमिका से भी प्रकट होता है उन्होंने किया है, तो उसके लिए रेखा जी और जयंती जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ कहानियों से गुजरा हूं और कुछ यहाँ आप सबने सुनी है। उन कहानियों के सुनते समय आपके मन में जिज्ञासाएं पैदा हुई होंगी, और जैसा गुप्ता जी कह रहे थे, ये तो पूरे अंत जो है वो जब जोड़ने वाला है, क्लाइमैक्स तक पहुंचे बिना कहानी का आनंद कैसे आ सकता है। और उधर सुदर्शना जी कह रही थी कि ट्रीजर है,
तो दोनों चीजों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब हर एक के मन में इन कहानियों को पढ़ने की उत्सुकता पैदा हो गई होगी और आप निश्चित रूप से पढ़ेंगे। कुछ वर्मा घर में हुई थे और उनके से विवाह के बाद ही मैं बंबई में आई थी, तो मैंने तय किया कि मेरे पति ने मुझे पैरों के नीचे जमीन और सर के ऊपर छत मुहैया करा। उत्तर प्रदेश से आया हुआ एक लड़का 28 साल की उम्र में अगर बंबई में अपना घर बना लेता है तो उसकी पत्नी का और ऐसी पत्नी जिसके उसने सबसे लड़के शादी की हो, ये हक बनता है, ये उसका फर्ज बनता है और ये उसकी नियति बनती है कि फिर वो इस देश को ना छोड़े जहाँ उसके उसके। इसलिए उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि सतीश गए मेरी जिंदगी तो गई उनके साथ, अब वहां शुरू होगी जहां वो हैं, लेकिन मेरे बच्चों के लिए इससे बेहतर जमीन मुझे कहीं नहीं मिलेगी। मेरे इस विश्वास की रक्षा हुई, मेरा बेटा सुपर्ण वर्मा आज एक सफल निर्देशक, निर्माता और लेखक है। मेरी बेटी सुकन्या वर्मा जागरण पुरस्कार से सम्मानित फिल्म क्रिटिक और पत्रकार है और मेरे सारे सपने पूरे हुए हैं क्योंकि मेरा पोता अवान वर्मा दो दो चित्रकारों ने कहा कि एक अच्छा चित्रकार है। इससे ज्यादा की ख्वाहिश करनी भी नहीं चाहिए, झोली से ज्यादा मिला है, आंचल से बाहर है और जो आप लोगों की मोहब्बत है, जो प्यार है, जो इज्जत है, उसको सुनकर मेरी आंखें लगातार गीली है, मेरा दिल लगातार घिरा हुआ है, मेरे शब्द अचानक छोटे पड़ गए हैं। ये इतना इतना सरंजाम, इतना सब कुछ, इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत, इतने प्यार कैसे संभालूं उसको समझ नहीं आता। मेरा आंचल बहुत छोटा है, आप लोगों का प्यार बहुत ज्यादा है। सिर्फ एक चीज जरूर बताना चाह रही हूँ क्योंकि दो सवाल लोगों ने मुझसे पूछे थे, वो बता देती हूँ। कई लोगों को आश्चर्य है कि बब्बल प्रोडक्शंस जो कि फिल्म कंपनी है, वो एक किताब का लोकार्पण, वो भी इतनी धूमधाम से जैसे कि लड़की की शादी होती है कर रहा है, क्यों कर रहा है। उन लोगों को शायद पता नहीं होगा कि अरविंद बब्बल एक साहित्यकार परिवार से आते हैं, वो प्रगल्भ जी के बेटे हैं, अशोक चक्रधर उनके बड़े भाई हैं और काका हाथरसी की बेटी उनकी भाभी है। रेखा बब्बल जो उनकी जीवन संगिनी है वो बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। तो ये परिवार सिर्फ फिल्मों का नहीं है, ये जितना फिल्मों का है उतना ही साहित्य का भी है और इस परिवार ने, कई बार तो क्या होता है कि हम बच्चे गोद लेते हैं, इस परिवार ने मुझे गोद ले लिया तो अब मैं इसका हिस्सा हूँ, तो ये तो उन्हें मेरे लिए करना ही था, हक से कर रहे हैं, हक से कर रहा हूँ। आप लोगों ने सबने जीवन में हमेशा मेरा साथ दिया, आज जिनकी कभी मुझे खटक रही है मैं उनके बारे में बात करूंगी। पांच संपादक और उनमें से एक भी यहां नहीं है, डॉक्टर धर्मवीर भारती मेरे सबसे पहले संपादक थे, शरद जोशी दिवंगत, डॉक्टर धर्मवीर भारती दिवंगत, नारायण दत्त जी दिवंगत, और दो संपादक जो हैं उनमें से विश्वनाथ जी की आंखों का ऑपरेशन हुआ है वो आ नहीं सकते थे, शचिंद्र जी नागपुर में अपने बेटे के पास हैं इसलिए वो नहीं आ सकते थे। तो ये दुखद रहा, पर फिर मैंने ये सोच के मन समझाया कि मैंने पत्रकारिता में तो कुछ लिखा भी नहीं था तो पत्रकार संपादक क्यों है। इसलिए मैं जिन्हें याद कर रही हूँ वो पुष्पा जी ने मुझे शुभकामनाएं भेजी, अर्चना नागर ने मुझे शुभकामनाएं भेजी, हरीश पाठक को मैं मिस कर रही हूँ क्योंकि जो हमारा धार्मिक परिवार है उससे कई लोग आए हैं, मंगला जी आई हैं यहाँ पे और विनीत आया है यहाँ पे, ये नवभार टाइम्स जो मेरे सारे परिवार हम जिसे मानते हैं उसमें से हरिमृदुल जी हैं, भूमेंद्र त्यागी जो कि नवभारत छोड़ चुके हैं और भास्कर के संपादक हैं वो आए हैं और मुझे उनकी कमी खटक रही है जो है किसी कारणवश नहीं आ सके।
क्योंकि वही मेरा परिवार है, मुझे लग रहा है कि वो होते तो और भी अच्छा होता। लेकिन शिकायत किसी से नहीं है, जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आए वो खुश है, वो भी खुश है, आप भी खुश हैं, हम इसी तरह उत्सव मनाते हैं। ये तो एक इंसिडेंटल है किताब का लिखना, इनकी इच्छा थी, इन लोगों ने छाप भी दी, इन्होंने फंक्शन भी कर दिया और मैं भी आके बैठ गई और आप लोग भी बैठे हैं और हम सभी, मेरे ख्याल से सबको मजा आ रहा है। मैंने कोशिश ये की कि आप लोग इस प्रोग्राम में बोल रहे हो, क्योंकि मुझे खुद को बहुत कई बार बोरियत होने लगती है और मुझे नींद आने लगती है। मैं ये साहित्य चर्चा के लिए प्रमंच नहीं था, कुछ लोगों ने मुझे ये सजेस्ट किया था, ये टीजर वाला आइडिया बाय द वे भूमेंद्र का था, ये कहानियों के टीजर वाला आइडिया मेरा नहीं था, ये भूमेंद्र का था। जिनको तारीफ करनी हो उसकी करें, जिनको शिकायत करनी हो उसी से करें। तो क्वेश्चन आंसर, साहित्यिक परिचर्चा, इस तरह का अगर कुछ करना होगा तो एक अलग तरह का कार्यक्रम होगा जिसमें उन लोगों को नहीं बुलाया जाएगा जिनको उसमें दिलचस्पी नहीं है, और तब आप लंबे वक्तव्य भी सुन सकते हैं, लंबी बात भी कर सकते हैं और अपने भी कर सकते हैं। अभी आप इसे पढ़ें और जैसा कि मेरे सारे मित्रों और वरिष्ठों ने कहा कि उन्हें अच्छी लगी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छी लगेगी। इसे अपना प्यार दें उसी तरह जैसे आपने मुझे अपना प्यार दिया है। बहुत 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 धन्यवाद। और अब शायद बहुत अच्छा नाश्ता